है, टेस्टी डिलीशियस होती है। आज इसको हम आपको ग्रिल पे बना के दिखाएंगे। गाइस उसके लिए जो हमें सामान चाहिए वो ये है। ये मैंने आधी किलो कीमा करा के अच्छे से मशीन में, इसमें दो तीन हरी मिर्च और लहसुन और दो लहसुन और एक टुकड़ा अदरक का और ये और इसमें थोड़ा सा नमक सॉल्ट करा के सब मिक्स करके अच्छे से ये मैंने मशीन में सब करा लिया है। देखिए ये अच्छे से हो गया है। और ये मैंने बेसन लिया है, इसको भून लिया है। ये इस स्पून से भर के ये चार चम्मच है। ये मैंने चार प्याज ली हैं, इसको मैंने फ्राई किया है जब ठंडा करके, उसके बाद मैंने मैश करके ऐसे हो गया है। इसको अभी हमें मिलाना है। ये गरम मसाला है, ये एक काली इलायची है, दो तीन लौंग है, एक स्पून भर के ये काली मिर्च है, एक स्पून भर के ये टीस्पून ज़ीरा है, दो हरी इलायची है, ये अमूल की क्रीम है। जब हम कबाब बनाएंगे तो उसको ऊपर डालकर दिखाएंगे आपको, और इसको चटनी और प्याज के साथ सर्व करके दिखाएंगे। ये कुछ सूखे मसाले हैं गाइस। ये जो हमारा गरम मसाला है ये पीस कर ये भर के हमारा दो स्पून हो गया है। और ये सीख कबाब का मसाला है, आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। ये इस स्पून से भर के नमक है, सॉल्ट। आप नमक मिर्च, मैं हमेशा कहती हूँ आप अपना नमक मिर्च अपने जैसा जायके खाते हैं वैसे ले सकते हैं। ये एक स्पून से आधा टीस्पून हरी इलायची का पाउडर है। ये फूड कलर है गाइस, क्योंकि इससे थोड़ा सा कबाब में कलर आ जाता है। अगर आप नहीं डालना चाहें तो वो आप इससे, लेकिन कलर अच्छा आता है। चलिए गाइस अब हम आपको बनाना स्टार्ट करते हैं। आप इसकी जगह कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं गाइस। अब हम ये सब मसाले कीमे में डालते हैं। ये बीफ का कीमा है, ये हमने आधा किलो लिया। अगर आप चाहें तो अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा बना सकते हैं, उसके हिसाब से समान क्वांटिटी से बना करते हैं। ये बेसन, ये हमारी तली प्याज है। अब हमें इनको अच्छे से मिक्स करके दिखाना है, क्योंकि ये हाथों से अच्छे से मिक्स होंगे। अगर आप चाहें तो आप स्पून से भी कर सकते हैं। अगर आप नमक मिर्च ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप इसमें हरी मिर्च को ज़्यादा पीस के भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ कीमे में चार हरी मिर्च डाली है और दो लहसुन और थोड़ा सा टुकड़ा अदरक का। और गाइस और इसमें दो स्पून मैंने पपीता, कच्चा पपीता जो होता है वो भी पीसा है, क्योंकि कच्चे पपीते से गलावट आती है और गलावट जब आएगी कीम में, चाहे आप चिकन का लें या बीफ का लें या मटन का लें, जब गलावट आती है तो जब भी कबाब अच्छे बनते हैं। हमें गाइस इसको अच्छे तरह से मिक्स करना है। ये हमने अच्छे तरह से इनको मिक्स करके सारे मसालों को इनको रख दिया है, देखिए इतने अच्छे से। और इसको अब हमें 20 या 25 मिनट के लिए अभी इसको थोड़ी देर रखना है, जिससे अच्छे से ये सूखे मसाले और सारे मसालों का इसमें हमारे फ्लेवर और अरोमा आ जाए। और अगर आप चाहें तो इसको रात भर के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे तो और भी ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ जाता है। लेकिन मैं अभी 20 या 25 मिनट के लिए रखती हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको कबाब बना के दिखाऊँगी इसको रेस्ट देने के बाद। गाइस आप इस मेरी इस रेसिपी से आप अपने किचन में ज़रूर ट्राई करना, और आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती हैं आप ज़रूर कमेंट करें, और अपने दोस्तों में मिलने वालों में शेयर करें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखिए हल्के हल्के, देखिए ये गोल्डन कलर आता जा रहा है। ये हमने प्याज वाला ऑयल लिया था, इसके हल्के हल्के हम लगा रहे हैं इस ब्रश से, क्योंकि अभी हमने ऑयल लगाया है तो थोड़ा सा आँच हमारी, इससे ऑयल से ही जो प्याज वाला ऑयल है इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है गाइस।
देखिए गाइस, ये हमने सब लगा के रख दिए कबाब। ये हमारे दो ऑलरेडी तैयार हो चुके हैं। अब हम इसको इधर को कर देंगे। देखिए अब ये हो रहा है, ये दो और कबाब। गाइस ये सीखने वाले हैं, उसके बाद मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगी। हमने 2 टीस्पून हमने दही ले लिया है। अब इसमें हम 2 स्पून के बराबर क्रीम मिलाएंगे, ग्रीन चटनी मिलाएंगे। ये हमारा कबाब है, देखिए ये हमारा बटर है, ये हमने मेल्ट हो गया। अब हम इसको कबाब में डालेंगे। जैसा आप पुरानी दिल्ली स्टाइल में खाते हैं, आप वैसे ही आप अपने घर पे भी बना के इसका जायका ले सकते हैं। ये हमने अपनी क्रीम और दही का और हरी चटनी का सब एक साथ करा था, इसको अच्छे से हमने मिक्स करा था। गाइस ये बहुत ही अच्छी लगती है। ये हमारा लेमन होगा और ये प्याज के लच्छे हैं। गाइस ये इतने डिलीशियस टेस्टी कबाब हैं कि आप जब अपने किचन में मेरी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा ये कितने अच्छे कबाब हैं। अगर आप चाहें तो ये मैंने बीफ के में लिया था, अगर आप चाहें तो इसे चिकन या मटन में भी बना सकते हैं। ऐसे बहुत ही डिलीशियस तैयार हुए हैं, और अगर आप इनको तैयार करके आधे घंटे या 1 घंटे के लिए रख देंगे तो इससे ज़्यादा इसका मसाला अच्छे से तैयार हो जाता है। आप इसके कबाब के मसाले को आप 25 मिनट जैसे मैंने रख दिया था, अगर आपके पास ज़्यादा वक्त है तो आप आधा घंटे या 1 घंटे के लिए भी रख सकते हैं, उससे तो ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा हो जाता है। देखिए ये अब हमने ये सब कबाब लगा लिए, इसके ऊपर क्रीम और दही और हरी चटनी का सारा जितने भी अच्छे से मिक्स करके लगाया, और ये हमने कुछ प्याज के लच्छों से और ये लेमन से और ये हमारी दही की चटनी जिसमें हरी मिर्च, धनिया और पुदीना डाल के हमने अच्छे से बनाई है। गाइस ये कबाब इतने डिलीशियस और टेस्टी और यम्मी है, आप जब अपने किचन में मेरी इस रेसिपी से ट्राई करेंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा। और आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है, आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें अच्छा सा, और अपने दोस्तों में, मिलने वालों में शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।